झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के कुसुम्बा में कल रात को नक्सलियों ने 12-11 से ज्यादा वाहनों को आग लगा दी। इन सभी वाहनों में कोयला लोड था और इनमें से 10 वाहन जलकर राख हो गए। एक वाहन को पुलिस वालों ने किसी तरह बचा लिया है। मौके पर अभी पुलिस मौजूद है और तहकीकात जारी है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शनिवार की रात को 100 से ज्यादा नक्सलियों ने कुसुम्बा के टीपी संख्या 7 पर इकट्ठे हुए और वहां लोड हो रही ट्रकों पर, जो त्रिवेणी सैनिक से ट्रकें लोड होती हैं, उनको घेर लिया और घेरने के बाद गोली मारकर उनके टैंक फोड़ दिए गए और उन डीजल टैंकों से डीजल निकालकर वाहनों को आग लगा दी। अलबत्ता इसके पहले नक्सलियों ने चालकों और परिचालकों को वाहनों से उतार लिया और उन्हें धमकी देकर उनके हाथ में एक एक पत्र थमाकर उन्हें वहां से भगा दिया। इसके बाद सारे वाहन धू धू करके जल गए। इन सारे वाहनों के साथ साथ उनमें लोड 200 टन से ज्यादा का कोयला भी जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह एक वाहन को बचा पाया जिसमें कोयला लोड था, लेकिन वो कोयला भी सुरक्षित बताया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में पुलिस मौके पर मौजूद है और सर्चिंग जारी है। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें glibs.in के साथ।